गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो रेसिपी शेयर करूंगी वो एक पहाड़ी रेसिपी है जिसका नाम आम टॉक है। तो आम टॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम गार्डन से आम ले आते हैं, तो आप लोग भी आइए मेरे साथ। तो आम ले आए हैं गार्डन से, तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करते हैं, चलो कुकर में इसको उबाल देते हैं। तो ये मैंने उबालने के लिए रख दिया है धो धा के आम को। और फ्रेंड्स जो पानी है वो बहुत ही कम डालना है, देखिए बस आम पूरा डूबना नहीं चाहिए इतना पानी। तो इसकी सीटी लगा देते हैं पहले। तो जो सीटी लगाई है वो मैंने एक हाई मोड पर लगाई है, फिर एक मीडियम मोड पर लगाऊँगी। तो दूसरी साइड जब तक इसमें सीटी आती है, यहाँ मैं तैयार करती हूँ इसके मसाले। यहाँ मैं जीरा भून रही थी जो मैंने भून लिया है कटोरी में रख के पीस के, और यहाँ पे गुड़ लिया है, पुदीना लिया है, मिर्ची ली थी और लहसुन भी। तो ये उबल चुके हैं अच्छे से, देखिए फ्रेंड्स वो पानी फेंकना नहीं है, उसका यूज़ होना है। तो फटाफट इसे छील लेते हैं, जो इसके छिलके में गुद्दा बचा है उसे नाइफ या स्पून की हेल्प से हमें निकालना है। और जो ये मैंगो है, जो पका हुआ मैंगो है, उसे हमें काट देना है अच्छे से। एक्चुअली ये जो हमारे गार्डन के आम हैं अभी बहुत ही सॉफ्ट है इसकी गुठली, इसके अंदर गुठली नहीं है। वरना जो पहाड़ी में आम टोक बनता है ना, उसमें हम गुठली भी पूरा डालते हैं, पूरा साबुत डालते हैं, अलग नहीं करते हैं। पर इसमें हमें गुठली अलग करना पड़ेगा क्योंकि कोई गुठली खास नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में रख दिया है गुद्दा आम का, और थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची, इसे हमें ग्राइंड कर देना है, एक पेस्ट बनाना है। तो जो पेस्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स। तो इसमें जो जो पानी था ना कुकर में रखा हुआ वो भी ऐड कर देना है, थोड़ा से पतला फॉर्म में बनाना है। अब दूसरी साइड मैंने पैन रख दिया है यहाँ गैस में, इसमें हम डाल देंगे जो हमने तैयार किया है आम का जो पेस्ट तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे। उसके बाद इसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसमें ऐड कर देंगे गुड़ को। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें, ज़्यादा कम जैसा आपको अच्छा लगे। इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं गुड़ की जगह। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से पक चुका है, तब मैंने लास्ट में ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर और ऐड किया है इसमें मैंने जीरा पाउडर। तो फ्रेंड्स इसको आप ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखिए फ्रेंड्स इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर। तो ये ठंडा हो चुका है, इसको मैं सर्व करती हूँ एक कटोरी में। तो फ्रेंड्स जो ये पहाड़ी में आम टोक होता है, इसके साथ हम रोटी खा सकते हैं, बहुत बहुत ही यम्मी होता है। मैंने यहाँ पे आइस क्यूब भी रखा है क्योंकि इसको ठंडा ही खाते हैं। तो मैं थोड़ा टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। तो ये बहुत बहुत ही टेस्टी बना था, और रोटी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है इसे खाने में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये डिश, तो आप भी ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।